बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मध्य प्रदेश के खेतिया, सेगांव और कालापीपल में पर्यावरण संरक्षण के लिए गायत्री ग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने यज्ञ में आहुतियां देकर माता गायत्री से कोरोना मुक्ति की प्रार्थना की। गायत्री परिवार खेतिया द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदूषित वातावरण को शुद्धिकरण हेतु चलित यज्ञ कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न कॉलोनियों, मुख्य मार्गों पर यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत नागरिकों ने अपने अपने घरों के समक्ष यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां दी, साथ ही मां गायत्री से कोरोना मुक्ति की कामना की। अनाज पैदा होता है भगवान यज्ञ से, भगवान का यह यज्ञ भगवान यज्ञ से जल। वहीं खरगोन जिले के सेगांव में देश व दुनिया के पर्यावरण को शुद्ध व विषाणु मुक्त करने के लिए गायत्री परिवार के आह्वान पर गायत्री परिवार के युवा वाहिनी व महिला मंडल के सहयोग से 51 से अधिक घरों पर गायत्री यज्ञ हुआ, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। गायत्री परिवार के नंदकिशोर यादव ने बताया कि गायत्री परिवार शांति कुंज के आह्वान पर नगर में पर्यावरण को शुद्ध व विषाणु मुक्त करने के लिए 51 से अधिक घरों में गायत्री व महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी गई, साथ ही देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत बुद्ध पूर्णिमा के आज पावन अवसर पर कोरोना वैश्विक महामारी को से निपटने के लिए घर घर में गायत्री यज्ञ किया गया। एक समय पर प्रातः 8 से लगाकर 11 बजे तक सेगांव नगर में 51 से अधिक घरों में भी गायत्री यज्ञ किया गया। सभी सबके लिए मंगल कामना की गई, सभी स्वस्थ हो ये कोरोना महामारी से। कालापीपल तहसील के ग्राम तिलावत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के निवारणार्थ एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में सत प्रवृत्ति संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रह गायत्री यज्ञ का आयोजन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक साथ सभी घरों में संपन्न हुआ। इसके साथ ही सभी ने पौधारोपण भी किया। गायत्री परिवार के देवराज ने बताया कि इस परिस्थिति में हम सबको संयम का परिचय देते हुए इस महामारी का डटकर मुकाबला करना चाहिए। द्वारका प्रसाद ठाकुर, आज क्या आयोजन हुआ? आज हमने ग्रह ग्रह यज्ञ किया और गायत्री परिवार के लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। परिजनों से निवेदन है सभी अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष निश्चित रूप से लगाएं, ताकि आने वाले समय में हमारी ऑक्सीजन की समस्या टले। धन्यवाद। आपका नाम? देवराज सलोकिया, मैं गायत्री परिवार का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में सारे भारत सहित विश्व के अनेकों अनेक देशों में आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर ग्रह ग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी के विनाश के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए आज भारत देश सहित दुनिया के अनेकों देशों में घर घर में यज्ञ किया जा रहा है। आज हमारे ग्राम तिलावत में भी हम सभी गायत्री परिजनों ने पूरा प्रयास किया कि लगभग सभी घरों में यहाँ पर यज्ञ हो और इस कोरोना महामारी से मुक्ति हो। हमारा ग्राम करीब 1500 घरों का ग्राम है, इसमें हमने पूरा लक्ष्य बनाया है कि 1000 घरों में हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे और हमारे पूरे ग्राम में आज एक एक करके कुछ अनाव जैसे जहां पर कहीं पर डेथ हुई उन घरों को छोड़ करके वहां पर यज्ञ नहीं हो रहे, बाकी करीब करीब 1200 घरों में एक साथ यज्ञ हो रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्राम पूरा प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी। यह कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में संपूर्ण भारत देश में किया जा रहा है, तो इसमें सारे गायत्री परिजन जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं अपने अपनी प्रयास कर रहे हैं। ग्राम तिलावत इकाई ने आसपास के करीब 10 गांव में इस बात का मोबाइल माइक के साथ में जा करके घर घर पे गांव-गांव में समझाया है और लोगों को प्रेरित किया है, जिससे कि लोगों ने बहुत अच्छा इस बात के लिए हमें धन्यवाद भी दिया और सारे लोग एक साथ यज्ञ भी कर रहे हैं। इस प्रकार का एक आयोजन आज रहेगा और पूरे भारत में और अनेकों अनेक देशों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आज हम सभी लोगों से अपील करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान
हे परमात्मा, इस कोरोना नामक महामारी से इस मानव समाज को, मानव जाति को मुक्ति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस कामना के साथ में। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए विज्ञान के साथ टोने टोटकी और अब भगवान का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि माँ गायत्री अपने भक्तों को कब तक कोरोना संकट से मुक्ति दिलाती है, या भी और परीक्षा लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।